वेलकम टू डिजिटल अध्यापक। ये आपका नया न्यूमेरिकल है, धीरे धीरे आपका न्यूमेरिकल ऐसे बढ़ता चला जाएगा। टू वायर्स ए एंड बी आर फॉर्म फ्रॉम द सेम मटेरियल विथ द सेम मास। डायमीटर ऑफ द वायर ए इज हाफ ऑफ डायमीटर बी of wire B. If the resistance of wire A is 32 ohm, find the resistance of wire B. Question स्पष्ट है, question clear ये है कि एक wire A है और एक wire B है, दोनों एक ही material के बने हैं और mass भी same है। कह रहा है कि पहले वाले wire का जो diameter है वो दूसरे वाले wire B के diameter का आधा है। तो कह रहा है कि अगर वायर ए का रेजिस्टेंस 32 ओम होता है तो बताइए कि वायर बी का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वही नोट कर लेते हैं। तो वी है टू वायर्स, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कौन कौन से वायर हैं। तो हमारे पास वायर ए है और वायर B। अब आपसे कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है A वाले का वो है 32 ओम, तो जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ R A इज इक्वल टू 32 ओम और आपको R B ही निकालना है तो R B के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर आपके पास दिया है कि जो लेंथ है वायर A का वो वायर बी के लेंथ से हाफ है, सॉरी डायमीटर दिया है। डायमीटर ऑफ ए इज हाफ द डायमीटर ऑफ बी। अगर इतना बात है तो रेडियस भी उसी रेशियो का होगा। अगर इतना दिया है तो आप लिख सकते हैं कि द रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ बी। अगर ये रिलेशन है तो एरिया के साथ आप इंप्लाई कर सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डिवाइड बाय 4, इतना हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 4। ये आपके पास एक रिलेशनशिप मिला। और दूसरा हो जाएगा कि जो लेंथ हो जाएगा बी का वो ए वाले से 4 गुना घट जाएगा। मतलब जो भी रिलेशनशिप आपको मिलेगा एरिया का उसी का उल्टा होता है लेंथ के लिए, इनवर्स होता है। तो आप एल बी इज इक्वल टू एल ए अपॉन 4 लिख सकते हैं। अब वी नो दैट आर ए के लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रो एल ए अपॉन ए ए, इसको सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1। और आर बी के लिए लिख सकते हैं रो एल बी अपॉन ए बी। हमारे पास एल बी की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू है, तो एल बी की वैल्यू है एल ए बाई 4, तो रो एल ए बाई 4 और ए बी की वैल्यू है 4 ए, ले सकते हैं 4 ए ए। अगर इसको भी सॉल्व करें तो आपको मिलेगा रो एल ए डिवाइड बाई 16 ए ए। इसको थोड़ा और चेंज करते हैं तो 1/16 रो एल ए ए ए ले सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है रो एल ए अपॉन ए, ये वैल्यू किसकी है आर ए की, यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा आर बी इज इक्वल टू 1/16 इनटू आर ए। कहां से आप इसको लिख सकते हैं, फ्रॉम
इक्वेशन वन से। ये आपका इक्वेशन नंबर वन जो है यहीं से आप इसको लिख सकते हैं। अब आपको गिवन है आरए की वैल्यू, आरए इज इक्वल टू कितना है 32, यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए तो हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 16 तो हो जाएगा 2। योर आंसर इज 2। आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 2। फिर एक बार समझा दे रहे हैं कि आपके पास एक वायर ए है एक वायर बी है, दोनों सेम मटेरियल सेम मास्क बने हुए हैं, डायमीटर जो पहले वाले का है वो दूसरे वाले वायर बी से आधा है, तो बताइए कि रेजिस्टेंस बी क्या होगा। अगर रेजिस्टेंस ए दिया हुआ है आपके पास 32 तो आपके पहले रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू मिला, आर बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है आपके पास। डायमीटर अगर आपका आधा है तो रेडियस भी आधा हो जाएगा, तो रेडियस के अलग हो तो एरिया के फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ए बाई 4 आ जाएगा, और फिर ऐसे आप सब्स्टिट्यूट करके वह फॉर्मूला निकाल सकते हैं और आपके पास आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। थैंक यू।